अरे आतिर साहब, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसे हैं? वैसे आज तक हम जब भी आमने सामने आए हैं ना, जानबूझकर आए हैं, लेकिन आज तो कोइंसिडेंस ही हो गया। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी बिल्कुल फिट और खुश है। ग्रेट, ओके। अरे भाई, ऐसे कैसे? यहाँ पास ही जगह से बहुत अच्छी चाय मिलती है, आए आपको चाय पिलाता हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे चाय की कोई तकलीफ। अरे यार माना, आप बड़े आदमी हैं, आप हम गरीबों की तरह चाय कहाँ पीते हैं, आप तो पीते हैं कॉफी। चले आपको कॉफी पिलाता हूँ, वो भी काली। चलिए तो सही, मूड नहीं है यार। अरे प्लीज, वो क्या कहते हैं, आई इंसिस्ट, प्लीज। चलिए आइए। बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा हुआ नुसरत, लेकिन हमारी मिशाल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, फरमा बरदार, हर एक के साथ मोहब्बत करने वाली, हर एक का ख्याल रखने वाली, फिर अल्लाह ने उसको ये दुख क्यों दिया? दुख नहीं अम्मा, आजमाइश है, और सिर्फ मिशाल की नहीं, हम सब की आजमाइश। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तुम देखना अल्लाह हमारी मशाल को औलाद की नेमत से महरूम नहीं रखेगा। अरे देर से सही, पर वो उसको औलाद की खुशी देगा जरूर इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो मां। लेकिन फिलहाल तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मिशाल ये बात अरसलान को बताएगी कैसे। हाँ, अरसलान को तो वैसे भी बच्चों का इतना शौक है, मशाल ने तो खुद मुझे कई दफा ये बात कही है कि अरसलान हर चौथे आठवें रोज उससे इस ख्वाहिश का इजहार करता रहे। बड़े भाई को बच्चों का इतना शौक, और छोटा छोटा अपनी बीवी को लेकर ऐसे क्लिनिक जा रहा है जहां पर। अरे अब ये कौन सा वक्त है ऐसी तंज भरी बातें करने का? अम्मा तंज नहीं, अपने दुख का इजहार कर रही हूँ आपसे। दुख तो बहुत है, मगर अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने, और मशाल क्या कहती है, और मायरा, उसको अपनी बहन की इस मुसीबत का इल्म है? अब तुम मायरा से कह देना, बल्कि उसके अच्छी तरह उसके दिमाग में ये बात डाल देना, उसे अब अपने ससुराल में सर डाल के रहना होगा। ये जो हर रोज लड़ाई झगड़े फसाद करती है ना, इनकी अब गुंजाइश नहीं है। क्यों अम्मा, नुक्स तो मिशाल में है ना, मायरा तो माशाल्लाह से उम्मीद से है, फिर क्यों वो अपने ससुराल में सर डाल कर रहे? अरे जाहिर सी बात है, दोनों के नसीब, दोनों के घर जुड़े हुए हैं। मायरा अगर दिखाएगी ना तंतना वहां पर, अरे उसका असर फिर मशाल पर पड़ेगा, उसको कचोके लगाए जाएंगे, ताने दिए जाएंगे। अब समझ में आया माँ, मैं क्यों आपके और राशिद के इस फैसले के खिलाफ थी, क्यों मैं शोर मचा रही थी, क्यों मैं इस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी। अम्मा अव्वल तो मेरी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, बचपन में निकाह करके बहुत नाइंसाफी हुई, ऊपर से आपने और राशिद ने मेरी दोनों बच्चियों के नसीब एक ही घर से जोड़ दिए। देखो, चाहती तो मैं थी ऐसा, लेकिन बहरहाल निकाह तो तुम्हारी बच्चियों के बाप ने ही करवाया ना। हाँ, लेकिन आपके जोर देने पर आज से पहले तक तो मायरा की जिंदगी उस घर पे जहन्नुम थी, अब इस नुक्स के बाद मिशाल को कांटों पर घसीटा जाएगा, और हम हर वक्त सूली पर लटके रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके और राशिद के एक गलत फैसले की वजह से। हफ़ना की अम्मा, आपने और राशिद ने अच्छा नहीं किया। Thank you.
आदर साहब, मैं आपको बहुत ही एक समझदार बिजनेसमैन समझता था, लेकिन आप है नहीं। अच्छा, क्यों? मैंने एक बिजनेस प्रपोजल भेजा था मायरा के थ्रू आपके पास, लेकिन लगता है आपने उसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। सोचा था, सीरियसली सोचा था, लेकिन बहुत ही 2% का प्रपोजल था। ऑनेस्टली इट वाज टेरिबल, इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। स्मार्ट फर्नीचर का शोरूम और ऑनलाइन बिजनेस, आपको 2% का बिजनेस आइडिया लगा? क्या हो गया आदर सा? आजकल जैसे लोगों के दिल और दिमाग छोटे होते जा रहे हैं ना, वैसे घर भी छोटे होते जा रहे हैं। अब पहले की तरह बड़े बड़े पलंग, सोफे, बड़ी टेबलें, ये सब लोगों को पसंद नहीं है। स्मार्ट लोगों को स्मार्ट फर्नीचर चाहिए। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे? मुझे लगता है आपको मेरी ये बिजनेस की बातें अच्छी नहीं लगी। चलिए मायरा की बात कर लेते हैं, और उसकी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं। देर हो रही है, तो मुझे चलना चाहिए। अब जब मायरा को आपके पास भेजा था बिजनेस प्रपोजल लेकर, आपने जवाब मुझसे क्या कहा था? क्यों? आपकी बीवी है, उसने आपको कुछ बता रखी? नहीं बताया, बस जब घर आई तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे आग से झुलस दिया हो। वो तो बेहोश होके गिर गई, जिसम और मुंह से आग उगल रही थी। 3 दिन ऐसे ही रही, फिर ठीक हुई। लेकिन जब भी इस मौजू पर बात करो तो फिर मुंह से आग उगलने लगती है। क्यों? I think that's a good sign, but मेहनतमंद है आपकी बीवी। अगर मेरी बीवी गैरतमंद है तो मैं क्या हूं? गैरत। समझदार आदमी आप। जो आदमी अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के पास बिजनेस प्रपोजल देके भेजता है, यकीनन वो बेगैरत ही होता है।